हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। बाहर बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, सो इफ़ यू आर गेटिंग एनी साउंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो If you are getting the sound or not, but let's see, let's start. Cleansing the space, calling for the guides. Thank you. Let's come through. Let's start. Okay. आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखो उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, सो कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगे आपके लिए नहीं है वो आप यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ साथ बाकी के दो चैनल्स के जो लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। शैडो सेल्फ नंबर 28 वाओ लेट्स टेक वन मोर सो वी हैव शैडो सेल्फ नंबर 28 वी हैव बी स्टिल नंबर 5 Mirrored Souls number 21 and Compassion number 10. Numbers important ho sakte hain but zaruri nahi hai. So what do I see for you? यू नो द सबसे पहला एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इज़ कि आप अपने अंदर खुद के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज होते हुए या कुछ फीलिंग्स या इमोशंस को चेंज होते हुए देखोगे। कि मे बी आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एंड काफ़ी टाइम से आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप उस पर्सन को ब्लॉक करके रखे थे, काफ़ी टाइम से यू नो आप काइंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, या आप उस पर्सन के बारे में चर्चा करना ही छोड़ दिए थे कि चलो हटाओ ये चैप्टर को एंड करते हैं। बट आई थिंक फाइनली और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हो सकता है कि ये सामने वाला इंसान ऐसा कुछ करे जिसके वजह से ये चेंज आए, या हो सकता है ऐसे ही आप खुद कुछ चीज़ें रियलाइज करो जिसके वजह से ये चेंज आए कि आप काइंड ऑफ एक अलग इमोशन फील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो। एंड इसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही हो या आप गलत हो, क्योंकि सही गलत एक्चुअली आपके सिचुएशन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा एंड हर किसी के लिए उनका सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। तो अगर आपको लगता है सही है तो सही है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो गलत है। लेकिन ये जो चेंज है ये है, ठीक है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत अच्छा समझते थे, आप बहुत क्लोज मानते थे, या आपको लगता था कि अच्छा इस पर्सन के बारे में आपका ये राय विचार था कि ये इंसान तो ऐसा है, मुझे पता है ये ऐसा है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से रियलाइजेशंस के चलते आपको लगेगा कि नहीं, अभी तक मुझे जो लगता था वो पूरा सच नहीं है। ये इंसान में इतना बुराई अगर है तो इतना अच्छाई भी है, या इस इंसान में इतनी अच्छाई है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनमें बुरा है बहुत ज़्यादा। तो देर इज़ अ लाइक अ डिफरेंस, अ शिफ्ट इन योर परसेप्शन। आप लोगों को या आप चीज़ों को, सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हो। मैं कहूँगी एक एसेंडेड नज़रिए से,
एक अलग लेवल के नज़रिए से देख पा रहे हो। अभी तक आप उस भीड़ के अंदर खड़े थे एंड आप उस भीड़ को जज कर रहे थे, लेकिन अब आप एक ऊपर से उस पूरे भीड़ को देख रहे हो। आपको पूरा सिचुएशन समझ आ रहा है, पूरा नज़रिया आपको एक बार में ही देखने को मिल रहा है। सो आपका जजमेंट भी बेटर हो रहा है, आपका नज़रिया भी एक बेटर टाइप ऑफ व्यू आपको मिल रहा है। आई एम हियरिंग द वर्ड अनलॉकिंग, अनलॉक करना किसी चीज़ को। हो सकता है कि आप अपने अंदर कुछ ब्लॉकेजेस को अनलॉक कर रहे हो, कुछ हिडन पोटेंशियल्स थे, टैलेंट्स थे जो आप अनलॉक कर रहे हो। आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ इमोशंस थे जो दब गए थे, जिसे आप अनलॉक कर रहे हो। बट देयर इज़ अनलॉकिंग जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओपनिंग अप, अनलॉक करना, ओपन अप करना। बहुत सारे ब्लॉकेजेस में भी हट रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस, व्हाटसोएवर। कुछ अगर ब्लॉकेजेस से आप डील कर रहे थे, वो आप काइंड ऑफ हील कर पा रहे हो या अनलॉक कर पा रहे हो। सी, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी, कुछ लोगों की सच्चाई, कुछ सिचुएशंस की सच्चाई, एंड आप इस सच्चाई से ना ही घबराओगे ना ही आपको कुछ ज़्यादा असर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते थे, कहीं ना कहीं आप जानते थे कि ये सच है। बट आपका अभी तक का जो नज़रिया था, आपको वो रोक रहा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, मानने से। सो कुछ रिविलेशंस आपके सामने होंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने आएगी, कुछ चीज़ों का खुलासा होगा। दैट इज समथिंग। आपका माइंड इस टाइम पे बहुत पावरफुल है, आपका इंट्यूशन, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई। आप देखोगे कि जिस भी सिचुएशन के बारे में आप जो भी सोच रहे हो, वो सच में हो रहा है, या आप काइंड ऑफ अपने रियलिटी को बदल पा रहे हो। आप काइंड ऑफ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आप चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर, एग्जैक्टली जो सोच रहे हो आप दिमाग में, आपको देख लाइक आप देख पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली वैसे ही है। इवन इफ आपके आसपास के चार लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, हम लोगों का तो दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा, आपको लगा होगा कि नहीं। चाहे रूम में 10 लोग हैं, 10 लोगों को ना लगे, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको अगर कुछ कहे तो जानना कि वो सही है। आई डोंट नो वाई, बट यू नो, आज जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को, या जब भी आप देखोगे, क्लिक करोगे, यू आर इन अ सिचुएशन लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे किसी चीज़ को। किसी टाइप की बीमारी हो सकती है, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम, वॉट एवर, कुछ भी प्रॉब्लम। एंड आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग लाइक कि आप अपने आप को किसी चीज़ से छुड़ा नहीं पा रहे थे, एज इफ आपके चारों तरफ रस्सी से आपको कोई बांध दिया है, एंड आप अपने आप को छुरा नहीं पा रहे हो। आप यहाँ पे रस्सी खींच रहे हो, आप वहाँ पे रस्सी हटा रहे हो, लेकिन आप उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हो, आप रस्सी को लाइक छोड़ नहीं पा रहे हो। यू नो, वो इतना टाइटली बांधा हुआ था आपको। बट यूनिवर्स, डिवाइन इंटरवेंशन, आपके गाइड्स काइंड ऑफ फाइनली यहाँ पे स्टेप इन कर रहे हैं कि वो एक एक करके वो सारे गांठों को खोल दे उस रस्सी के, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ से फ्री हो सको, इस प्रॉब्लम से, इस इशू से, इस नेगेटिविटी से, या अभी तक आपका जो लाइफस्टाइल था उससे आप आगे बढ़ सको, आपको फ्रीडम मिल सके किसी चीज़ से, मुक्ति मिल सके, आप काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा सांस मिले, आपको थोड़ा सा हवा मिले, यू नो, क्योंकि आप कैद हो गए थे इस किसी बंधन में, या किसी ऐसे आपको बांधा गया था चीज़ों में। बंधन मतलब नॉट लाइक इट डजंट हैव टू बी कि एक रिलेशनशिप ही मतलब बंधन है, नो, इट कैन बी कि कुछ प्रॉब्लम लाइक हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज थे, या फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम था, फिनेंशियल प्रॉब्लम था, एंड आप उसमें
सब कुछ मिलके आपको जकड़ा हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे अपने आप को छुड़वाऊँ, मैं कैसे अपने आप को मुक्त करूँ. एंड नाउ द डिवाइन इंटरवेंशन इज हैपनिंग. आपको कहा जा रहा है टू कॉल बैक योर पावर, टू कॉल बैक योर पावर. आज जो लोग देख रहे हो ज़्यादातर लोग, आप खुद स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पीपल है, आप खुद बहुत ज़्यादा एक असेंडेड सोल फैमिली से आते हैं. यू आर नॉट अ वेरी न्यू सोल, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड सोल है, आपको चीज़ें पता होती है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, यू नो हाउ टू काइंड ऑफ नेविगेट थ्रू सिचुएशंस. एंड आपको यूनिवर्स उसी चीज़ में काइंड ऑफ प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस उन्होंने डाला है, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे टाइम पे कि आपका वो सब कुछ अनलॉक हो सके, आपके वो सारे पावर्स, आपके वो सारे अंडरस्टैंडिंग, सोल लेवल का आपका जो विजडम है वो चीज़ें अनलॉक हो सके. बिकॉज अगर ये सिचुएशंस आपके लाइफ में नहीं आते, इस टाइम पे नहीं आते, ऐसे लोग नहीं आते, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें अनलॉक नहीं हो पाता जो आपके सोल के जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको एज अ ह्यूमन बीइंग लग सकता है कि उससे मुझे क्या ये वो, बट एज अ सोल लेवल पे अगर आप देखो तो सोल के जर्नी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यू हैव चोजन दिस लाइफ टाइम. वो सोल्स ही है जो इस लाइफ को चूज़ करते हैं. इट्स आवर विश दैट वी हैव चोजन दिस लाइफ. सो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो हो रहा है. जस्ट वेट एंड वॉच. आपको बस वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है. चीज़ें आपके लिए मूव हो रही है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, एक एक करके वो सारे गांठ खोलने वाले हैं यूनिवर्स. आपको मुक्ति मिलने वाली है चीज़ों से, बट एक एक करके ही होगा. ऐसा नहीं कि एक एक साथ सब कुछ आपको मिल जाए, वो संभव नहीं है. एंड उस टाइम पे जब तक आप ये पेशेंस रख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो आपके समय का, आपको क्या करना है, आपको अपने पावर में रहना है, आपको अपने पावर को अपने हाथों में रखना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन कौन सी चीज़ों के साथ अलाइंड है, एंड कौन कौन सी चीज़ें आपके एनर्जी को बस बर्बाद करता है. आपके लिए कौन सी चीज़ें, कौन से सिचुएशंस या लोग सही है एनर्जेटिकली, एंड कौन सी चीज़ें, लोग, वट एवर, गलत है. अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए. यू आर अ प्रेशस पर्सन. आपके अंदर एनर्जीज है, आपके अंदर पावर्स है, चाहे आप मानो या ना मानो. शायद वो टाइम अभी आया नहीं है कि आप मान लो, विश्वास कर लो, मे बी फ्यूचर में कभी आएगा वो टाइम. बट द थिंग इज़, वो सब भी अगर मैं ना बोलूँ, आई जस्ट ओनली वॉन्ट यू टू नो इज़ कि कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्टेज हो रहा है जो बंद होना बहुत ज़रूरी है. एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हो आप, गलत जगह पे एनर्जी डाल रहे हो, गलत लोगों के बीच में एनर्जी दे रहे हो, गलत लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, ये वो. डोंट डू दैट. कहीं ना कहीं आपको एक हीलिंग मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक हीलिंग मिल रहा है इस 24 घंटे में. कुछ तो हील हो रहा है, एटलीस्ट ये हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, मैं इतना कह सकती हूँ. अगर कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तो शुरू हो रहा है ज़रूर. समथिंग जो आपके आपके ऊपर से एज इफ एक होता है ना, व्हाट डू वी कॉल इट, एक बोझ हल्का हो जाना, आपके आपके चेस्ट के ऊपर से एक बोझ हल्का हो जाना किसी चीज़ का, आपको बहुत हल्का महसूस होगा कि हाँ चलो फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हील्ड महसूस हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ अलग ही होने वाला है. सो बट व्हाट एवर दिस इज़, ये आपको एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं लाइफ में देगा, या कह सकते हैं कि अब एज अ पर्सन आप ग्रो करोगे, कर रहे हो भी. तो बेसिकली ये जो 24 आवर्स होंगे, कोशिश कीजिए दैट आप इस 24 आवर्स में हीलिंग, सेल्फ लव और पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, अपने एनर्जी को अपने अंदर रखें, एंड गलत जगहों, गलत संगत में उसे वेस्ट ना करें. पेशेंस रखना ज़रूरी है. एक एक करके आप चीज़ों से फ्रीडम आपको मिलेगा.
एंड किसी चीज़ का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा इज समथिंग आई एम हियरिंग. बैलेंसिंग आउट थिंग्स, कार्मिक थिंग्स, कार्मिक नहीं एक्चुअली, आई फील लाइक दिस इज़ अबाउट योर मनी फाइनेंसेस या समथिंग, या लव भी हो सकता है कि यू आर रिसीविंग समथिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में. जो आपने दिया है यूनिवर्स को आप वो रिसीव करोगे. अगर आपने बहुत ज़्यादा कंपैशन, अनकंडीशनल प्यार दिया है किसी को, आपको वो रिसीव होगा. अगर आपने नफ़रत दिया है, आपको वो रिसीव होगा. अगर आपने किसी को हेल्प किया है, आपको हेल्प मिलेगी. अगर आपने मेहनत किया है, तो उस मेहनत का जो रिवॉर्ड है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो यू नो अप्रिसिएशन हो, जो भी हो, वो आपको मिलेगा. अगर आपने प्रेयर किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, तो उसका कुछ जवाब आपको मिलेगा. सो कुछ भी पूछना है, कुछ भी मांगना है, तो यूनिवर्स से मांगिए. अपने दिल की बात करना है तो पहले यूनिवर्स से कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आंसर देते हैं. कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आंसर हमेशा मिलता है. सो आई थिंक वो करना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. बट आई थिंक ये रीडिंग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक लोगों के लिए ज़्यादा है, या जो लोग थोड़ा सा सोल लेवल पे अपने आप से जुड़ पाते हो, अपने हायर सेल्फ से थोड़ा सा कनेक्टेड हो. अगर आप अपने हायर सेल्फ से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, तो आपको ये रीडिंग शायद अच्छी नहीं भी लगे. बट क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द मैसेजेस जो स्पिरिट लाना चाहते थे, एंड जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक उन तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँचेगी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू सम चैनल्ड मैसेजेस, राइट? सो चैनल्ड मैसेजेस में, एज आई ऑलवेज से, क्या होता है कि आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस जो यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, वो आप अपने मन में पूछ सकते हैं. अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चंस सोचने के लिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. चैनल्ड मैसेजेस बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो ये हर किसी को तो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगा. मैं 2 से 3 चैनल मैसेजेस निकालती हूँ, सो मे बी 2 से 3 लोगों को ही अपना जवाब आज मिलेगा. सो उस हिसाब से आपको देखना है. डोंट गेट इम्पेशेंट एंड डोंट थिंक कि हर एक मैसेज आपको रेजोनेट करना ही चाहिए. ओके, एंड लेट्स सी, आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के बारे में सोचें. अगर आपको कुछ भी सवाल चाहिए, मतलब पूछना है अगर आपको, एंड आई विल टैप इन टू दिस एनर्जी ऑफ योर्स. ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. Let me see. I'm just being distracted with this rain. I don't know why. Like, I'm getting this feeling of aaj ka weather kitna pretty hai, and this is raining, and I don't know kitne logo ko barish pasand hai, but I sometimes like rain, you know. And I'm just getting very distracted by the rain. In a good way, not in a bad way. Yeah. Six of Pentacles, Page of Cups, King of Cups, Knight of Swords, and the 5 of Pentacles. फर्स्ट मैसेज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, आपने हार्डवर्क किया है, आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, या आपने सच का साथ दिया पर फिर भी आपको कभी भी उस चीज़ का कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला, या वॉट एवर, लाइक कुछ ना कुछ नाइंसाफी, आपने मेहनत किया बट आपको उसका पैसा नहीं मिला या इनफ नहीं मिला, एंड यू आप मे बी इस एक एनर्जी में बैठे हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली लाइक क्वेश्चन कर रहे हो दैट क्या मुझ में कमी है, मुझे क्यों नहीं मिला. रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, गुस्से में हो आप, फ्रस्ट्रेटेड हो आप, एंड स्पिरिट इज़ लाइक जस्टिस, या आपको जो बैलेंस चाहिए वो तो आएगा, लेकिन उससे पहले जो समझना ज़रूरी है, इमीडिएटली जो समझना ज़रूरी है, इज़ आपको ही अपने आप को निकालना है. लाइक आप ही वो इंसान हो जो अभी अपने आप को बचा सकते हो. सो अगर आप बाई चांस इस एनर्जी में बैठे हो कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी,
क्योंकि मुझे अपना रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि मुझे अपना आंसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि ये गुस्सा आप जो भी जिसके भी ऊपर कर रहे हो उससे नुकसान आपका हो रहा है। सो यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको काम करते जाना है। अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हो, बैलेंस में लाना चाहते हो, या अपने आप के बारे में अगर आप सोचना चाहते हो, किसी और के लिए नहीं बस अपने आप के लिए, तो आपको एक्शन लेते जाना है। कुछ लोग हार मान रहे हो या हाल छोड़ के बैठ रहे हो, ये सोच के कि जब मैंने किया मुझे थोड़ी मिला, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मुझे मार्क्स कम ही आए हैं, मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, ये वो। तो व्हाटएवर दिस रिग्रेट इज़, व्हाटएवर दिस एंगर जो है आप में, इससे इस एंगर को अपने आप को रोकने मत दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी और के ऊपर गुस्सा करके खुद को रोक लिए तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, उस इंसान का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उस इंसान को। सो आपको सेल्फिश होके अपना सोचना है। यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, यू हैव टू कीप टेकिंग एक्शंस, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है, किसी और को बचाना नहीं है। तो अपने आप के बारे में सोचना ज़रूरी है यहाँ पे। देर इज़ अ पर्सन, ये दूसरा मैसेज है, जिनके बारे में आप कुछ सोचते हो, लाइक दिस इज़ इमोशनल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। इस पर्सन को या तो आप इन्हें पसंद करते हो, या आपकी इनकी कुछ चीज़ें आपको पसंद है, या आपको शक है कि ये आपको पसंद करते हैं, या तो ये आपके क्रश टाइप ऑफ अ पर्सन है, या तो आपको लगता है इस पर्सन को मुझ पर क्रश है, ऐसा। उस केस में आप मे बी बहुत क्यूरियस हो इस पर्सन के बारे में कि ये कैसे है, एक्चुअली में क्या चल रहा है। आप मे बी बात करते हो इनसे, बट कभी भी खुल के बात नहीं होता है उस टॉपिक पे, या ये पर्सन आपको थोड़े बहुत हिंट्स दे चुके हैं, या आप उन्हें हिंट दे चुके हो, बट कोई कंक्लूजन पे आप लोग पहुँच नहीं पाए हो, या आप कंक्लूजन पे पहुँचना चाहते हो पर आपको नहीं पता कैसे क्या। सो उस केस में सिचुएशन ऐसा है कि यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि इस पर्सन की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो जिसका भनक तक नहीं है आपको। आप मे बी इस पर्सन को 20-30% ही जानते हैं, बाकी जो 80-70% है वो अभी भी आपसे छुपा हुआ है, आप अनजान है उस सच से। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत कुछ डार्क है, ऑल दैट नो, बट आप बहुत जल्दी कंक्लूजन मांग रहे हो, या बहुत जल्दी ही इस चीज़ को एक डेफिनेशन या टैग या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो जो नहीं होना चाहिए। बिकॉज इस पर्सन को आप जितना जानोगे आप उतना हो सकता है अपना इंटरेस्ट लूज करो फॉर सम ऑफ यू, या हो सकता है कि आपका नज़रिया ही बदल जाए पूरे चीज़ के ऊपर से। बिकॉज मे बी देर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हो रहा है पीठ पीछे, या इस पर्सन के लाइफ में जो आपको नहीं पता, एंड वो पता होना, पहले वो पता होना ज़रूरी है, उसके बाद कंक्लूजन, एक्शन, डिसीजन वगैरह वगैरह आप सब ले सकते हैं। सो अभी हड़बड़ी मत कीजिए विद दिस पर्सन, इवन इफ़ वो आपको पसंद करते हैं, या इवन इफ़ आप उन्हें पसंद करते हो, बट फिर भी पूरा सच जानना या पूरे चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी हड़बड़ी नहीं करना है आपको, या नहीं ना ही अननेसेसरी या बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। द थर्ड मैसेज इज, आप जैसे कि मैं आपकी रीडिंग में भी कह रही थी कि आप लोग बहुत वाइज, विजडम वाले इंसान हैं, ओल्ड सोल किस्म के इंसान हैं। सो आप किसी चीज में, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो यहाँ पर, आपको पता है कि आपको इस चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है, वॉट एवर, कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, वॉट एवर है, आई डोंट नो, लाइक कुछ भी, आपको पता है कि आपको इस चीज़ को लेट गो करना है, क्योंकि अब ये और नहीं चल सकता, अब ये और नहीं आगे बढ़ सकता, इसका मतलब एक्सपायरी डेट तो आ ही चुका है। बट किसी फॉल्स होप के चलते, या बस आप इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप खुद के साथ ही माइंड गेम्स खेल रहे हो, आई डोंट नो वाई, बट
आप फिर भी उस चीज़ में बैठे हुए हो किसी होप से कि शायद ये हो जाएगा, शायद वो हो जाएगा, शायद ये चेंज आ जाएगा, मिराकल हो जाए. आई डोंट थिंक सो. स्पेशली अगर ये कोई रिलेशनशिप है या कोई जॉब है जो ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुका है, जो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा दे चुका है, एंड ऑलरेडी यू नो आपको धक्का मिल चुका है फॉर द बैड थिंग्स, आई थिंक इट्स टाइम यू लेट गो. आई थिंक इट्स टाइम आप जाने दो, यू नो आप किसी बेटर चीज़ के लिए उड़ान भरो. बिकॉज़ आप तैयार हो, ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियसली आप तैयार हो, मेंटली आप तैयार हो, बट कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स होप लेके बैठे हो, कहीं ना कहीं आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट कुछ चेंज एक्चुअली हो रहा है क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो हो रहा है. सो इफ़ यू नो दैट दिस इज़ ओवर, द आंसर इज़ येस इट इज़ ओवर, तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से एक्शन लेनी है कि इट इज़ ओवर. ठीक है. सो दे दैट इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू हियर गाइज टुडे. आई होप ये आपको रेजोनेट करे, मदद करे, अच्छा लगे. अगर लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.